दोस्तों ट्रू टेक रिपोर्टर में मिराज आपका अपना रिपोर्टर इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए प्रोडक्ट लेके आया हूं वो है लिनोवो की स्मार्ट क्लॉक एसेंशियल। ये जो वॉच है ये एलेक्सा इनेबल्ड वॉच है। मुझे इसके अलग अलग मिक्स रिव्यू देखने को मिले। इसकी जो रेटिंग है वो अमेज़न पे काफी ज्यादा वेरी कर रही है, फ्रॉम जस्ट 2.5 टू 5। मैं बहुत कंफ्यूज था इन रेटिंग्स को लेके और मुझसे काफी लोगों ने सवाल पूछा था कि क्या आप ये प्रोडक्ट अनबॉक्स करेंगे और हमें बताएंगे आपका अपना व्यू क्या है इस प्रोडक्ट को लेके। तो उसी चीज को देखते हैं, मैं ये प्रोडक्ट आपके लिए लेके आया हूं। इसमें दो अलग अलग कलर्स अवेलेबल हैं, एक है रेड कलर और ये है ब्लू कलर, या आप इसे कह सकते हैं थोड़ा ग्रेश कलर। ये जो कलर है ये मुझे काफी पसंद है इसीलिए मैंने इसको परचेस किया। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं क्या ये प्रोडक्ट वर्थ द प्राइस एंड मनी है कि नहीं। दिखाता हूं सबसे पहले जो ये वॉच है ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में आई है। इसके ऊपर लिखा हुआ है एलेक्सा बिल्टन। बाकी यदि हम बात करें पैकिंग की तो वो काफी सिंपल है। ये दो कलर्स हैं जो मैं आपको बता रहा था अलग अलग इसके अंदर अवेलेबल हैं, एक रेड और एक ग्रेश ब्लू कह सकते हैं आप। ये जो मैंने परचेस किया है वो परचेस किया है 2800 रुपीज में। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो आप यदि यहां पे देखें तो 7500 रुपए है। ये देखिए जो यहां पे उन्होंने दिखाया हुआ है, लेकिन मैंने ये सिर्फ 2800 रुपए में परचेस किया है ड्यूरिंग ग्रेट इंडिया सेल। बॉटम एंड टॉप काफी क्लीन है इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो जब हम इसके कवर को हटाते हैं तो कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। चलिए हम इसे ओपन करते हैं और ये रहा हमारा प्रोडक्ट। पहला इंप्रेशन मेरा इसको लेके ये है कि ये प्रोडक्ट जब आप पिक्चर में देखते हैं तो काफी बड़ा दिखता है आपको देखने में, और जब मैं इसे अब देख रहा हूं तो ये प्रोडक्ट कुछ इस साइज का है। और ये एक जेन्युइन फीडबैक काफी लोगों ने दिया हुआ था कि जब इसकी पिक्चर देखते हैं तो ये काफी बड़ा लगता है, जब कि इन रियलिटी जब इसे आंखों के सामने आप देखते हैं तो ये प्रोडक्ट छोटा है। अब ये छोटा कितना है आपके दिमाग में फिर भी ये सवाल होगा, बिकॉज आप इसे शायद कैमरा पे फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। ये देखिए ये मेरा हाथ है और मैं यदि इस हाथ पे रखता हूं तो ये पूरा हाथ कवर कर लेता है, तो ये इतना छोटा नहीं है। बट आई वुड से एंड आई वुड अग्री टू वट पीपल हैव सेड ऑन Amazon फीडबैक के हाँ इसको काफी बड़ा दिखाया गया है जिस तरह की पिक्चर्स ली गई हैं, लेकिन हाँ ये छोटा है, एवरेज साइज है, बट एट द सेम टाइम काफी सुंदर है देखने में। चलिए मैं इसे यहां से भी ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं इन रियालिटी ये प्रोडक्ट कैसा है। ये देखिए ये है इसका स्क्रीन, ये देखिए ये है इसका स्क्रीन, और बॉटम साइड में यदि हम देखें तो इसका एंटी ग्रिप इसका बेस है यहां पे। ये जो पूरा फैब्रिक है ये एक तरह का कपड़ा है, मेश है, और इसका जो कलर है वो ब्लू एंड ग्रे दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। यहां पे यदि आप देखें तो इसके चार्जिंग के लिए हमें एक स्लॉट मिलता है। यदि हम लेफ्ट और राइट की बात करें तो पूरी तरीके से क्लीन है। हम टॉप में यदि देखें तो हमें एक अलार्म क्लॉक का साइन मिलता है। ये इसका एक्शन बटन है, ये प्लस एंड ये माइनस। और फिलहाल यदि हम देखें सामने की तरफ तो ये स्क्रीन है इसका और कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे इसके लिनोवो की ब्रांडिंग है। चलिए हम इसे साइड में रखते हैं और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ इसमें दो हमें ये अलग अलग बुकलेट्स मिली हैं जिसमें सर्टल ये इसका मैनुअल है। अब हम बात करें इसकी तो ये है इसका चार्जर, और इसका जो चार्जर है वो एक्चुअली में डिटैचेबल चार्जर नहीं है इन टर्म्स ऑफ इट्स केबल, ये केबल इसी के साथ अटैच है। और जो ये चार्जर है ये 12 वोल्ट का चार्जर है और काफी अच्छा है, क्वालिटी एंड बिल्ड काफी अच्छी है इसकी। चलिए हम इसे साइड में रखते हैं और मैं इस वॉच को ऑन करता हूं। सो दोस्तों इसको टर्न ऑन करने के लिए हमें इसमें पावर इनपुट लगाना पड़ेगा, तो चलिए मैं इसका पावर इनपुट लगाता हूं। और पावर इनपुट लगाने के बाद हम इसे ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका डिस्प्ले आया है। यहां पे आप यदि ऊपर देखें तो सारे डेज हैं, फिर यदि आप नोटिस करें तो इसके अंदर हमें क्लॉक की
जो आवर्स एंड मिनट्स के फीचर्स मिलते हैं, नीचे जो अलग अलग वेदर कंडीशंस हैं उसके बारे में हमें देखने को मिलेगा। योर डिवाइस इज रेडी फॉर सेटअप, मेक श्योर ब्लूटूथ परमिशंस ऑन योर फोन आर टर्न्ड ऑन, देन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन द अलेक्सा ऐप। लवली, तो हमें इसे इंटीग्रेट और पेयर करना है अलेक्सा के साथ, और इसको साथ साथ ब्लूटूथ की भी जरूरत होगी जैसे इसने अभी अनाउंस भी किया है। तो मैं सबसे पहले अपने फोन पे जाता हूँ और एलेक्सा ऐप को ऑन करता हूँ। तो ये देखिए, मैंने अपने फोन के ऊपर इस ऐप को टर्न ऑन कर लिया है, और अब हम कोशिश करते हैं इस डिवाइस को इंटीग्रेट करने के लिए। और देखिए, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। यहां पे यदि आप इसे थोड़ा सा दिखाएं तो Lenovo Smart Clock Essential is ready to set up. So this is really awesome. चलिए मैं इसे कंटिन्यू करता हूं, अलाउ करता हूं, एंड वंस अगेन अलाउ, कनेक्ट योर Lenovo Smart Clock Essential, मेक श्योर डिवाइस इज पावर्ड ऑन। येस, इट इज पावर्ड ऑन। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं, और अब ये इसको इसके साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है। योर अलेक्सा डिवाइस इज रेडी। लवली, एंड आवर डिवाइस इज रेडी। और ये देखिए, ये जो वीडियो है मैं बना रहा हूं 12:04 पे, फिलहाल मंडे हो चुका है, AM है ये इन द मॉर्निंग, तो सब कुछ इसके ऊपर बड़ा क्लियर। योर डिवाइस रिसीव्ड एन इम्पोर्टेंट अपडेट एंड मस्ट रीस्टार्ट, इट विल बी रेडी अगेन शॉर्टली। दिस इज रियली 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 ऑसम। ये देखिए, ये कुछ बहुत ही अच्छी फीलिंग देता है आपको, जब कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिकली आपकी वॉच जो है वो सिंक्रोनाइज कर लेती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती प्रैक्टिकली, और वो हर चीज खुद ब खुद किए जा रही है। तो दिस इज रियली 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 ऑसम। मुझे इसको चूज करना है, मैं इस क्लॉक को कहाँ रखने वाला हूँ, तो चलिए मैं इसको कोई भी चूज कर लेता हूँ, काइंड ऑफ से इन बेडरूम एंड ऐड टू द ग्रुप। और यदि ये स्पीच ऑफ बटन है, तो यदि मैं इसे टर्न ऑन कर देता हूं तो ये देखिए यहां पे ये किसी भी तरह के स्पीच को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, लेकिन यदि मैं इसे टर्न ऑफ कर देता हूं अब तो ये स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा। और चलिए मैं ट्राई करता हूं। हाय एलेक्सा, हाउ इज द वेदर टुडे। प्यारे एनिमेशन है इसके ऊपर, आप देखिए ये एलेक्सा का चेहरा जो है इसने दिखाया है। एलेक्सा, हाउ इज द वेदर टुडे इन गुरुग्राम हरियाणा। इट्स 23 डिग्री सेल्सियस विद क्लाउडी स्काइज। Today, you can expect showers with a high of 28 degrees and a low of 21 degrees. So, देखिए, for the purpose of comparison and illustration, मैंने इन दोनों Alexas को side by side रखा है। इन दोनों Alexas को मैंने इसीलिए choose किया because दोनों के अंदर ही time feature available है। इसे हम बोलते हैं Amazon EcoSphere, और ये है हमारी Lenovo की Smart Essential Watch। तो देखिए, यदि मैं इन दोनों वॉचेस की बात करूं तो मुझे अब तक भी बिल्कुल नहीं क्लियरली समझ में आया कि ये वॉच इतना कम रेटेड क्यों है और ये वॉच इतना हाई रेटेड क्यों है। हो सकता है कि इसके म्यूजिक की वजह से। तो चलिए हम इस पे कोई सॉन्ग प्ले करने की कोशिश करते हैं। एलेक्सा, प्ले अ सॉन्ग। हियर्स अ प्लेलिस्ट यू माइट लाइक, अनफॉरगेटेबल, Best of R.D. Burman on Amazon Music. Alexa, stop. तो फिलहाल एलेक्सा ने गाना बंद कर दिया है। अब चलिए हम इस पे ट्राई करते हैं, और मैं इसका जो स्पीकर है वो ऑफ करता हूं, वॉइस डिटेक्शन। एलेक्सा, प्ले अ सॉन्ग फॉर मी। एलेक्सा, प्ले अ सॉन्ग फॉर मी। ये प्लेलिस्ट शायद आपको पसंद आएगी। Amazon म्यूजिक पर कार्तिक आर्यन, माय मिक्सटेप। बहुत माइनर डिफरेंस है दोनों गानों में, बिकॉज ऑब्वियसली वो पुराना गाना था और ये नया गाना है। मैं बोलूंगा थोड़ा सा बेस और थंप शायद स्फेयर में थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं है, वो ज्यादा है। हैविंग सेड दैट, जो स्फेयर है वो भी कोई कम नहीं है, वो भी आप यदि आप मार्केट में लेंगे तो 4,000-5,000 रुपए से कम नहीं आता, लेकिन ये तो मैंने सिर्फ 2,800 में लिया है, मे बी बिकॉज ऑफ सेल, अदरवाइज ऑल्सो 3,700 तक की रेंज में अवेलेबल है। तो कुछ इस तरीके से ये इसका कंपेरिजन है। मुझे तो ये डिवाइस बहुत पसंद आया, तो चलिए मैं अपना वर्डिक्ट आपसे शेयर करता हूं।
जहां तक लेनोवो की मैं बात करूं, मुझे किसी भी मायने में वो डिवाइस कम नहीं लगा एज इन कंपैरिजन विद इकोस्फेयर। उसके अंदर भी अलार्म है, इसके अंदर भी अलार्म है, उसके अंदर कहीं ज्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं, चाहे वो डेट हो, चाहे वो वेदर का फीचर हो। एट द सेम टाइम मुझे एलेक्सा की वो जो आईज है वो बहुत प्यारी लगी और वो बहुत ही अच्छा एनिमेशन है। एक्चुअली लगता है कि एलेक्सा आपकी स्क्रीन पे आ गई है लिटरली। एट द सेम टाइम कोई वॉइस क्वालिटी भी खराब नहीं है दोनों डिवाइसेस की, तो मुझे ये दोनों ही डिवाइसेस काफी एट पार लगी। और हम क्योंकि लेनोवो का रिव्यू कर रहे हैं, मैं बोलूंगा कि लेनोवो को ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 मैं 4+ रेटिंग दूंगा। वो किसी भी तरीके से कम नहीं है डिवाइस एज इन कंपैरिजन विद इकोस्फेयर। 1921 मैं कहूंगा शायद 1921 हल्का सा बेस का फर्क है, बट वो भी बिकॉज मैंने पुराना गाना प्ले किया था, उसके बाद हमने कुछ और सॉन्ग्स प्ले किए एंड इट रियली डिड द मैजिक विच इज सपोज टू डू। सो मेरी अपनी ओपिनियन में मैं इसको 4+ दूंगा, 5 मैं इसे सर्टनली नहीं दूंगा, बिकॉज मैं 5 तो इकोस्फेयर को भी नहीं दूंगा। दोनों ही डिवाइसेस काफी छोटी हैं, दोनों ही डिवाइसेस डेस्क डिवाइसेस हैं, इन्हें आप साथ में कैरी नहीं करके जा सकते, आपको इसके लिए 100% एक पावर सोर्स की जरूरत है ऑल द टाइम। सो ये सारी चीजों को देखते हुए मैंने इन दोनों ही डिवाइसेस को 4+ दिया है। लेकिन हाँ, जितनी खराब रेटिंग लेनोवो स्मार्ट एसेंशियल वॉच की है Amazon और Flipkart पे, वो बिल्कुल गलत है। ये दोनों ही वेबसाइट एक्चुअली में इस चीज के साथ जस्टिस नहीं कर रही। मेरी अपनी ओपिनियन में Lenovo Essential Watch एक बहुत ही प्यारे डिवाइस है, एंड यू शुड क्लोज योर आईज एंड जस्ट सिंपली बाय इट। इट इज वर्थ द मनी, एटलीस्ट फ्रॉम अ ग्राफिक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। ये एलेक्सा इकोस्फेयर से कहीं ज्यादा बेटर और अच्छा है, तो हमारी ट्रूटेक रिपोर्टिंग में खरा उतरता है। ट्रू टेक रिपोर्टर में दोस्तों हम कुछ इसी तरह के ऑनेस्ट रिव्यू लेके आते हैं, मार्केट में देखते हैं चीजें क्या है, उनके क्या सच्चे रिव्यूज हैं या मैनिपुलेटेड रिव्यूज हैं। इस पर्टिकुलर केस में मुझे लगा कि रिव्यूज ने सच्चाई नहीं की है प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ और उसके फीचर्स के साथ जस्टिस नहीं है। हम इस प्रोडक्ट को सर्टनली रिकमेंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इस सच्ची रिपोर्टिंग को और प्रोत्साहन देंगे और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ट्रू टेक रिपोर्टर में मिराज, आपका अपना रिपोर्टर, एक और प्रोडक्ट और एक और टेक्नोलॉजी लेके जल्द ही जुड़ूंगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।